बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमल ठहरने की अलामत ये हैं। हमल ठहरने की तस्दीक घर पर कैसे कर सकते हैं? ब्लूबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी बिना पर ब्लूबेरीज बच्चे में महसूस की सलाहियत को बढ़ाती हैं। ये फल अल्जाइम और दिल की बीमारियों से बचे की हिफाजत करता है। अगर आपको ब्लूबेरीज नहीं खाना चाहती तो इसके बदले टमाटर रस, बेरिक बेली या फलियाँ ले सकते हैं। अंडे, अंडे में अमाइनो एसिड की किस्म कोलिन होती है। यह बच्चे की दिली सलाद और याददाश्त को बढ़ाती है। अंडों में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा और कम कैलोरीज होती हैं। बादाम, बादाम ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हैं जो जेनी नशोनुमा को तेज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा जहीन हो तो अपने ग़िज़ा में मुट्ठी भर बादाम शामिल कर लें। इसके अलावा बादाम से दूसरे अहम गजाई अज़ा मैग्नीशियम, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ई भी शामिल कर लें। अगर आपके बच्चे में ज़हनी सलाहियत को बढ़ाना चाहती हैं तो इसलिए दौरान हमल मूंगफली भी खा सकती हैं। इसके अलावा अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, इसलिए इन्हें भी हमला ख्वातीन अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकती हैं। पनीर, पनीर विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया। विटामिन डी बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमला ख्वातीन विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा होने वाले बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा हो तो अपने अंदर विटामिन की डी की कमी ना होने दें। इसके अलावा विटामिन डी हासिल करने के लिए सुबह के वक्त 2 में भी बैठें।